हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, हम्माद मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है? तो इसका आंसर है एक नंबर ऑप्शन जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर और जालौर जिलों में हम्मादा मरुस्थल, जो पथरीला मरुस्थल होता है, उसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाकल्प से अरावली पर्वत प्रणाली संबंधित है? इसका आंसर है दो नंबर ऑप्शन प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वत श्रृंखला है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में तृतीय कल्प अर्थात टर्शरी के सेल समूह विद्यमान है? इसका आंसर है तीन नंबर ऑप्शन बीकानेर बाड़मेर में। राजस्थान में तृतीय कल्प अर्थात टर्शरी के सेल समूह विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पाए जाने वाले प्राचीनतम सेल समूह है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब बेडच ग्रेनाइट, बेंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स और नीसेस। ये सारे प्राचीनतम सेल समूह हैं जो कि राजस्थान में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में डक्कन ट्राइब के सेल समूह विद्यमान हैं? इसका आंसर है तीन नंबर ऑप्शन झालावाड़ कोटा में। राजस्थान के झालावाड़ कोटा जिले में डक्कन ट्राइब समूहों के सेल समूह विद्यमान हैं। नेक्स्ट, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है? इसका आंसर है चार नंबर ऑप्शन जालौर ग्रेनाइट, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अवसादित सेल समूह मुख्यतः पाए जाते हैं? इसका आंसर है चार नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी में। सभी जो ऑप्शन है इसके अंदर अवसादित सेल समूह पाए जाते हैं जैसलमेर बेसिन, मारवाड़ बेसिन और बाड़मेर बेसिन। सभी में अवसादी सेल समूह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? इसका आंसर है चार नंबर ऑप्शन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट, अकल गांव जहाँ राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है, किस जिले में है? इसका आंसर है एक नंबर ऑप्शन जैसलमेर जिले में। अकल गांव अकलवुड फासिल के नाम से राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क विश्व प्रसिद्ध है, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है? इसका आंसर है एक नंबर ऑप्शन जैसलमेर जोधपुर में। राजस्थान में रन का बाहुल्य है। रन अर्थात जो कि लवणीय युक्त भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, उसे रन कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिकतम रहता है? इसका आंसर है दो नंबर ऑप्शन पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बालू का स्तूपों का विस्तार है और बालू मिट्टी है, जो कि जिसमें गर्म और ठंडे होने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए दिन में बहुत गर्म हो जाती है जिससे तापमान बढ़ जाता है, और रात्रि में बहुत जो वातावरण जो तापमान कम होता है तो वह ठंडी हो जाती है, जिससे तापमान है वो रात का कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर दैनिक तापांतर में अधिकतम अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत प्राकृतिक प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है तीन नंबर ऑप्शन पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। राजस्थान के क्षेत्रफल 11% भाग पर मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो स्थित है, और यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश है वो राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत प्राकृतिक प्रदेश है। नेक्स्ट, राज्य किस प्राकृतिक में किस प्रकार का भूभाग सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत है? इसका आंसर है एक नंबर ऑप्शन मरुस्थलित जो है वो राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। नेक्स्ट, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है? इसका आंसर है दो नंबर ऑप्शन उड़िया का पठार है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है वो उड़िया पठार पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में थार मरुस्थल के कितने प्रतिशत भाग पर बालुका स्तूपों का विस्तार है? इसका आंसर है 58% भाग पर। राजस्थान में थार मरुस्थल है, ये 58% भाग पर बालुका स्तूपों का विस्तार है इसमें। नेक्स्ट है, गोंडवार प्रदेश किस नदी के बेसिन को कहते हैं? इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, लूणी नदी के बेसिन को गोंडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान बांगर का कौन सा लघु प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? इसका आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, शेखावाटी भूभाग है, ये राजस्थान बांगर का लघु प्रदेश है जो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर से आगे पूर्व में कट्टा फट्टा टीले निमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, लाशड़िया का पठार। जैसमन से आगे और पूर्व में जो कटा फूटा टीलेनुमा अनियमित धरातल है उसे लाशड़िया का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? इसका आंसर है उदयपुर। राजस्थान में उदयपुर जिला है वो तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है? इसका आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, बरखान, जो कि सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार है? इसका आंसर है जोधपुर में सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का विस्तार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैसलमेर के कौन से बालुका स्तूप हैं? इसका आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में सभी प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं? इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालुका स्तूप मुख्यतः देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालुका स्तूपों से होती है वे हैं? इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, बरखान। बरखान से मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक हानि होती है क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल में विद्यमान विविध धरातलीय स्वरूपों में किसकी प्रधानता है? इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, बालुका स्तूपों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, टेथिस सागर का या लूनी नदी का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, अंगारा लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विद्यमान भूखंड माने जाते हैं प्री कैम्ब्रियन युगीन, इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, प्री कैम्ब्रियन युगीन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो, जिसको ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, निम्न में से किस क्षेत्र में थार का मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है? 1 नंबर ऑप्शन है घाघर क्षेत्र, 2 नंबर गोडवार क्षेत्र, 3 नंबर शेखावाटी क्षेत्र और 4 नंबर नागौर क्षेत्र। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है? 1 नंबर ऑप्शन है घग्गर क्षेत्र, 2 नंबर गोडवार क्षेत्र, 3 नंबर शेखावाटी क्षेत्र और 4 नंबर है नागौर क्षेत्र। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। ये था हमारा आज का राजस्थान के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो कमेंट जरूर दें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें जिससे हमारे सभी व्यूवर्स इसका लाभ उठा सकें। हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।